वेलकम बैक टू द चैनल। अभी रात हो चुकी है ख़त्म और सुबह हो चुकी है। आज है 11 तारीख, 11 है ना, आज 11 जून है। घूमने के चक्कर में हम लोगों को डेट भी याद नहीं है। आज हम लोग आए हैं द माउंटेन केव्स में। माउंटेन केव्स डनांग से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जब होयान की तरफ जाते हैं तब पड़ती हैं और इसका एंट्री फीस जो है वो 20,000 पर पैक्स है। और इसके लिए ऊपर जाने की व्यवस्था की जिसका टिकट अलग से लगता है। तो हम लोगों ने तो ये डिसाइड किया है कि हम लोग थ्रू एंट्रेंस जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से इस गुफा को और देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें और किसके लिए ये फेमस है, क्योंकि ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप रश देख सकते हैं, बहुत रश है। और अगर आप स्कूटर से आ रहे हैं तो 100% पार्किंग का 10,000 पर पैक्स आपको दे 10,000 स्कूटर का देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। तो चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं। तो एंट्रेंस तो काफ़ी खूबसूरत है और ये अजीब तरीके का, ये पता नहीं क्या हाथ से बना रखे इन्होंने। और ये मछलियाँ भी हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। बिल्ली मौसी, अरे बाप रे, ये संदेह करंट मारती मछली, पता तुम्हें? ये भी मछली है? हाँ, ये मछली करंट मारती है। करंट मारती? हाँ। अरे नहीं, अरे और क्या, आदमी मर जाता है इसको अगर ये पास में चला जाए तो। ये सब चुपचाप बैठी है, नहीं तो वही वाली मार्बल माउंटेन्स देखने में तो बड़े शानदार लग रहे हैं। वो हवा तो बड़ी प्यारी चल रही है, मतलब तो मज़ा आ रहा है इसके अंदर और लगता है कि थकान नहीं होगी चढ़ाई करने पे भी, क्योंकि हवा बड़ी प्यारी चल रही है। एसी फेल है, इतनी शानदार हवा, हवा हवा हवा, क्या बात है। काफ़ी अद्भुत नज़ारे, ऐसे कैमरे में तो आपको इतना मज़ेदार नहीं लगेगा लेकिन सच में बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। थोड़ा सा ऊपर आने पे इस तरीके का ये सीन है। तो अभी जो है माउंटेन केव्स का जो दूसरा पार्ट है वो है लिंग उन पैगोडा, ये देखिए। और पता नहीं क्या यहाँ पर हर जगह की टिकट रख दी है। अब इसकी एंट्री फीस है 40,000 VND पर पर्सन। और ये शानदार ड्रैगन आपका स्वागत कर रहा है। ये देवी देव ऐसा लग रहा है अपने आप ही। भगवान गौतम बुद्ध।
क्योंकि शायद माउंटेन केव्स का हमारी आखिरी केव है और कुछ इस तरीके का नज़ारा है अंदर। हालांकि बहुत चल के आना पड़ा अंदर तब जाके ये हमें देखने के लिए मिला है। थोड़ा सा चल के ज़रूर आना पड़ा है लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो माउंटेन केव्स इनको ज़रूर विज़िट करिए, मस्ट विज़िट प्लेस। माउंटेन केव्स देखने के बाद बहुत थक गए थे, फिर बढ़िया से वेज रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ खाना खाया और एक स्मूदी पी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के फेमस माय के बीच पे आ गए हैं। और ये फेमस क्यों है ये आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। पहले तो मौसम देखिए, मौसम इतना औसम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ बादल हैं, एक तरफ ठंडी ठंडी हवा है, एक तरफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कल्चर्स के लोग हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को इतना अच्छा लगता है और लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं यहाँ पे, तो ये स्वाभाविक है ना। और तो हम लोग वैसे तो शाम को लेडी बुद्धा जाने वाले थे तो हम लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज था, तो हम लोगों ने फिर लेडी बुद्धा का प्लान कर दिया कैंसिल और हम लोग आ गए इस बीच पे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका नज़ारा बड़ा शानदार है, मज़ा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मौसम जो है वो बारिश का बन रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ज़रा तो बारिश होगी तो फिर बारिश का भी मज़ा लिया जाएगा साथ साथ, और समुद्र तो है ही है साथ में। तो अभी फिर जाते हैं समुंदर में और मज़े लेते हैं समुंदर के, और मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे।